नमस्कार, मैं योगेश कुमार होट यूसी में स्वागत है आपका। कल एक ऐतिहासिक दिन था जयपुर जिले के लिए, राजस्थान के लिए बिल्कुल। जी हाँ, रोजदा गांव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कल से शराबबंदी पर पूर्णतया रोक लग गई। कई सारे संगठन इस बात को लेके, इस मुद्दे को लेके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कल ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई थी। 350 दिनों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, उसके बाद में सरकार की तरफ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर वहां पे वोटिंग हुई बकायदा, और वोटिंग में गांव वालों की जीत हुई। वाकई में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। आज इस पे बातचीत करेंगे हम, क्योंकि बातचीत इसलिए जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी मसला हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पे जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे उसके हल की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि एकाधिक लोगों से बातचीत की जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं एक्सपर्ट के तौर पे। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ में कांग्रेस नेता सीताराम जी अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से मेरे साथ में लक्ष्मीकांत पारिक साहब जुड़ गए हैं। पारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या समझा जाए ये कि जन आंदोलन है ये प्रदेश में, शराब के खिलाफ पहला जन आंदोलन है? देखिए, पहले तो देखो, मैं रोजदा की जो ग्रामवासी, उन सबको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने लंबे पूरे लगभग एक साल तक अपना आंदोलन चलाया और एक सफलता उन्होंने पाई है इसके अंदर। पर मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो आंदोलन और दूसरी चीजें होती है, इतने लंबे टाइम तक चलती है, वो हमारे समाज के लिए, हमारे राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके लिए, और जो सामाजिक आर्थिक पूरी व्यवस्था है उसके लिए एक बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति आती ही क्यों है? सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजें हैं इसके अंदर। जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हो या जो भी कोई इससे जुड़े हुए लोग हों, उनको निर्णय तत्काल लेकर के और जनहित के जो निर्णय है उनको लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। आंदोलन के लिए क्यों वो प्रतीक्षा देखते हैं कि कोई कोर्ट में जाए या कहीं दूसरी जगह जाए, धरना करे, प्रदर्शन करे, दूसरी चीजें करे? इस तरह की स्थिति आनी नहीं चाहिए और तुरंत इस पर कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। हालांकि ये जो रोजदा की पहली घटना नहीं है, प्रदेश के अंदर राजसमंद दूसरी बार हुई है। तो राजसमंद की जब एक बार हो चुका है तो उससे सबक लेकर के सरकार को इस तरह का कुछ कर लेना चाहिए था। जब सब लोग चाहते हैं कि वहां पर दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। तो समझा जाए ये जन आंदोलन है, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और इसके आप देखिए, आज बड़ा अजीब संयोग है कि एक तरफ हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर दारू के ठेके को वो खोल रहे हैं। बड़ा अजीब संयोग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पर अच्छी चीज ये है कि कुछ जगह पे दुकान खुलने का प्रस्ताव भी नहीं आया। चलो ठीक है, भले दो चार ही नहीं आयो, एक अच्छी चीज है। तो इसका आगे एक अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए इस तरह के आंदोलन का, जो ठीक है। अग्रवाल साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्या देरी से हुआ ये? नहीं, देरी से नहीं हुआ जी, ये एक हाई कोर्ट का निर्णय है जी, सरकार का कोई निर्णय नहीं, नहीं है। आम आदमी पे जी, आम आदमी एक रोजदा गांव के ऊपर अगर आप जाते हो तो एक साल तक का आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं होता, और एक साल के बाद भी सरकार नहीं सुनती है। बिल्कुल, और नहीं सुनने के बाद उनके पास लास्ट ऑप्शन है कि माननीय हाईकोर्ट के पास गए वो, और हाईकोर्ट ने कानून के हिसाब से जी ये अपना निर्णय दिया, और कानून के हिसाब से वोटिंग हुई। वोटिंग के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 88% जो निर्णय हुआ वो शराबबंदी के पक्ष में हुआ। बिल्कुल, 88% निर्णय है, एक कोई छोटा निर्णय नहीं होता, ये एक शुरुआत हुई है। अगर सरकार को इसके बारे में गहनता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती। सरकार को वही काम करना चाहिए जो 88% जनता चाहती है, अगर वो सरकार नहीं करेगी और आज उसमें ठेके दिए जा रहे हैं, ये गलत निर्णय। देखिए, एक बात बताता हूँ कि मैं गुजरात के अंदर, इन्हीं की बीजेपी की सरकार है वहाँ, कई सालों से शराबबंदी चल रही है वहाँ, कोई बदफैली नहीं। आजादी के बाद पहला स्टेट है गुजरात, पहला स्टेट है। दूसरा स्टेट मतलब बिहार के लिए ये कहते थे लोग बाग कि वहां तो शराब संभव ही नहीं है, शराब के बिना सुबह आंख नहीं खुलती लोगों की। और नीतीश कुमार ने कठोर निर्णय लिया। एक आपको एक चीज और बताता हूँ, फाइनेंशियली हिसाब से भी कोई सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। मुश्किल से 1500 से 2000 करोड़ रुपए की इनको रेवेन्यू आती है, जब इन्होंने अभी रेवेन्यू नहीं, इनकम है, इनकम है जो कि 5000 करोड़ रुपए इन्होंने 25 पैसे बिजली के कम करके और किसानों को फायदा दिया। तो
मैं सोचता हूँ कि देश की राजस्थान की 6.5 करोड़ पब्लिक के लिए क्या 1500 करोड़ रुपए नहीं छोड़ सकती सरकार? जी बिल्कुल, छोड़ना चाहिए बिल्कुल। और हर गृहिणी, मैं एक और बताता हूँ, 1500 करोड़ रुपए के लालच के अंदर सरकार अगर ये कदम उठाने जा रही है, ठेके रिन्यूअल कर रही है या ठेके नए दे रही है, आप हर घर के अंदर जाके देखिए योगेश जी, जहाँ शराब पी जाती है उस घर के उस परिवार की क्या स्थिति है। गाँव के अंदर जाके देखिए, गाँव के अंदर ये पोजिशन होगी कि लोगों को निकम्मा बना दिए सरकार शराब ने। ये शराब बंदी होनी चाहिए, ये ठेके कैंसिल होने चाहिए, और नहीं तो अदरवाइज ये पोजीशन होगी कि आने वाले टाइम पे जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो गांव के अंदर नहीं घुस सकेगा। जिस हिसाब से जन आंदोलन चल रहा है उसमें या तो सरकार को मालिक साहब का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आऊंगा। दूसरा सवाल आपने खुद ने ही छोड़ दिया है तो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मालिक साहब का व्यू ले लेते हैं। मालिक साहब देखिए, रोजगार की जो घटना है निश्चित रूप से शराब की सामाजिक बुराई है, उस सामाजिक बुराई को जन जागरण होना चाहिए। जन जागरण के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ और अपनी परेशानी को वहाँ पर रखा और मतदान किया इसके पक्ष में, जैसा मुझे जानकर 1600 अधिक महिलाओं ने वहाँ पर 2200 कुछ वोट पड़े, 1600 से ज्यादा महिलाओं ने वहाँ पर वोट किया, 62% महिलाओं ने वहाँ पर वोट किया। निश्चित रूप में मांगे चाहिए कि महिलाएं शराब से ज्यादा परेशान है, उनका उत्पीड़न होता है, ये बात निश्चित रूप सामाजिक बुराई है। और माने भैरव सिंह शेखावत ने 77 में इस बात को सोचा था, विचार किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, ये बार बार हमको इंगित कर रहे हैं, कई सारी बातों में इंगित कर रहे हैं। 77 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान में शराबबंदी लागू की। 80 में कांग्रेस सरकार बनी, आती सबसे पहला काम कांग्रेस सरकार ने किया शराब को राजस्थान में दोबारा लागू किया। इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का प्रयास माननीय भैरव सिंह शेखावत ने किया, लेकिन उसका परिणाम सामने कब आया? जब दोबारा कांग्रेस यहाँ गवर्नमेंट बनी, माननीय जोशी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो पहला जो कांग्रेस सरकार का फैसला, पहली कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला आता है, उसमें फैसला राजस्थान में शराब की पुनः चालू किया जाते, पूरा ठेके देना शुरू होता है। तो इस सामाजिक बुराई के लिए कोई निश्चित रूप से जिम्मेदार है, तो वैसे भी कांग्रेस खड़े खड़ा करता हूँ। बिल्कुल अग्रवाल साहब, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपने खुद ने खड़ा किया था, आपने उंगली उठाई थी बीजेपी पे। नहीं, मैं आज भी उंगली उठा रहा हूँ कि आज जब आपने क्या किया साहब, जब जन आंदोलन हुआ, ठीक है साहब, ये जन आंदोलन आज से नहीं है, जब 77 में जब शराबबंदी हो सकती है तो उसके बाद में, ये तो नहीं है ना कि लगातार बीजेपी की सरकार रही है। आप नहीं, तो नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि, अब आप घुमा गए गांव के, नहीं मैंने पहले भी ये कहा है कि कोई भी आदमी अंदर नहीं घुस सकेगा। आप पाली जी ने बहुत बढ़िया बात कही, ये सामाजिक बुराई है बिल्कुल, इसको हम बीजेपी कांग्रेस में नहीं ले रहे, सामाजिक बुराई है, इनको दोनों को एक होना पड़ेगा। दोनों को एक क्या होने की जरूरत है, जनता के हक में फैसला लेना पड़ेगा। जहाँ पे 62% महिलाएं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि महिलाओं को हम 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, महिलाओं को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं आगे आएंगी कैसे? उसका हस्बैंड वहां पे शराब पी के पड़ा रहता है, उसको घर चलाना है। अरे कम से कम आप एक काम करो, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की या 50% रिजर्वेशन की बात तो बाद में करो, पहले ये देखो कि महिलाएं खुश किस में है। अगर महिलाएं खुश शराबबंदी में है तो हमें ये देखना चाहिए। मैं किसी बीजेपी और मैं पारिक साहब की व्यक्तिगत उसके वो बुराई नहीं कर रहा, सामाजिक बुराई है दोनों पार्टियों के लिए है, ये पारिक साहब ने स्वयं ने माना है। आज एक बात बताओ, कल अमरिंदर सिंह, कल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कल अमरिंदर सिंह ने सत्ता संभाली है और सत्ता संभालते उसने कहा कि मैं सबसे पहले नशाबंदी करूंगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान की मैं कह रहा हूँ, ये पूरे भारत की बुराई है। पूरे भारत के अंदर एक जहर फैला हुआ है, हम इस जहर को मिटाना चाहते हैं और आपकी सरकार है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, सरकार बीजेपी की है। अच्छा ठीक है, आपका निवेदन है, आपका इनका निवेदन है, इनका निवेदन है कि भाई आप इस फैसले पे कुछ विचार कीजिए। गांव वालों ने जिस तरीके से एक तरफा जो वोटिंग करी है, मात्र 170 वोट खिलाफ गए हैं, और वो उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो दारू पी के वहां पहुंचे थे। सीताराम जी का व्यक्तिगत निवेदन है, कांग्रेस का निवेदन है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा। सीधे तौर पर कांग्रेस की लंबे समय राजस्थान सरकार रही, शराबबंदी पुनः शुरू करने का कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने आज तक विपक्ष में रहते हुए भी शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। माननीय छावड़ा साहब, बीजेपी ने भी नहीं किया। मैं आ रहा हूँ विषय पर, छावड़ा जी आंदोलन किया, मैं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ दिया हो। माननीय अरुण चतुर्वेदी जी वहां गए, अनशन को तोड़वाया, कुछ बातें उन कही। तो मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूँ, कांग्रेस और अन्य हमारी राजनीतिक पार्टी हो, उस पे मत जाइए, बहुत गहरी बात। कोई सी राजनीतिक पार्टी, कोई सी भी अरुण चतुर्वेदी जी मार्ग में गए, पहले अशोक गहलोत जी गए हैं वहां पे। देखिए अरे साहब, बहुत गहरी बात हो जाएगी, आप राजनीति में उसको गए और डिमांड उठाई है कांग्रेस ने। नहीं ठीक है, मैं आप तीन मिनट छावड़ा साहब खत्म हो गए, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यही रुक जाइए पारिक साहब, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि राजेंद्र साहब, चलिए राजेंद्र साहब, मैं विषय पर एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। निश्चित रूप से
सामाजिक बुराई पर सभी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठनों, हम सबको बैठ कर पूर्ण विचार की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से सामाजिक बुराई कैसे, इस बात से सहमत हूँ मैं, इस बात से सहमत हूँ। राजेंद्र साहब, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा मैं उस गाँव के। देखिये, उसमें टोटल 2270 वोट पड़े, 2270 में से 1600 वोट जो है वो महिलाओं के रहे। आप गौर कीजिएगा, 61.36 टोटल वोट पड़े, उसमें से इनमें से वहां पे हैं कुल वोट वहां पे पड़े, यानी कि 61.36% टोटल वोट पड़े। इनमें से 61.36% में से 88% वोट, यानी कि 2270 वोट शराबबंदी के पक्ष में रहे, और इसमें से 1600 वोट महिलाओं के रहे जिनकी भागीदारी 62% रही। गौर करने वाली बात है, 62% रही, और महज 170 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट डाले, यानी कि जो शराब के पक्ष में थे। तो ये आंकड़ा बताता है कि महिलाओं में कितना रोष है, और इसका कारण है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस गांव में पिछले 2 साल में शराब की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसके अलावा हर महीने वहां पे 15 ऐसे केस आते हैं कि शराब की वजह से झगड़ा होता है वहां पे, और तकरीबन 400 परिवार ऐसे हैं जो शराब की वजह से, कहा जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा ये बात कही गई है जो अभी कुछ देर में स्टूडियो में आने वाले हैं, उन लोगों ने ये बताया है कि 400 परिवार ऐसे हैं जहां पे शराब की वजह से बहुत भारी भारी तबाही हुई है उन परिवारों में। तो ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में वाकई में रोष है। तो क्या ये समझा जाए कि ये मात्र महिलाओं की आवाज है? नहीं, देखिए, पहले चीज तो हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारी ग्रामीण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक ताना बाना है जी, आप उसके अंदर देखिए कि महिलाएं उसके अंदर प्रमुख दायित्व के रूप के अंदर प्रमुखता से उभर करके आए, उभरी हुई है, और उनका जो आर्थिक जो पूरा जो है उसके अंदर महिलाओं का वर्चस्व है, चाहे खेती का काम हो। आप खेती के अंदर देखिएगा कि अधिकांश, मैं किसी पुरुष वर्ग की या किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर खेती के जो अधिकांश काम है वो महिलाएं कर रही है गाँव के अंदर आज भी, और इसके अलावा आप देखिए पशुपालन का काम बहुत सारा सारा महिलाओं पर निर्भर है, और जो दूसरा नरेगा का काम उसके अंदर भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है जी। तो जो ग्रामीण जो गतिविधियां उनका संचालन अधिकांश रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, उस स्थिति के अंदर आपने देखोगे इसके अंदर आपको दूसरी चीज भी देखने को मिलेगी, रोजदा गांव हो चाहे कोई दूसरा गांव हो, काचबली, महिलाएं जिले का काचबली गांव, महिलाएं कमा करके लाती है, पुरुष अपना अधिकार समझ के उन महिलाओं से वो पैसा ले लेते थे, और दारू में या दूसरे जो बुराई सामाजिक बुराई है उन खर्च उसमें वो पैसा खर्च कर देते थे। तो जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी पूरी, जो घर की जो व्यवस्था है वो सारी सारी तहस नहस हो रही थी, घर का जो वातावरण था वो खराब हो रहा था, बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था, और इसके अलावा आर्थिक विपन्नता भी आ रही थी। इन सारी चीजों के कारण इस तरह का महिलाओं को, रोजगार की गांव की महिलाओं को ये कदम उठाने पड़े। मैं तो कहता हूँ कि जो दूसरे जो भी हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो दूसरे गांव है वहाँ की महिलाओं को भी सक्रिय होकर के इस तरह के कदम उठाने चाहिए, जिससे भले ही हम यहाँ बैठ करके और लैंगिकता की 50 तरह की बात कर लेते हैं, सब पुरुष का वर्चस्व है ये है वो है वो कर लेते हैं, पर हमको इन महिलाओं का जो महत्व है उसको सच्चे रूप में स्वीकार करना होगा, इस तरह से महिलाओं को आगे ला करके इस तरह के आंदोलन को बढ़ावा देना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए बातचीत जारी रहेगी, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।